हम लोग आए थे लाल किला घूमने के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला है। सर्वर डाउन है, हम लोग ऑनलाइन टिकट परचेस कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया है। तो किसी और दिन आप लोग को अंदर का लोग दिखाऊंगा। लंबे चौड़े लाइन है और ऑफलाइन टिकट का जो है लाइन इतनी लंबी है कि पूछिए मत। आप लोग को बार बार के दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग ज़्यादातर सिर्फ फोटोशूट किए हैं, अंदर जाने को नहीं मिला है। खैर, इससे पहले 2014 में गया था लेकिन मोबाइल ही नहीं था। सोच के आया हूँ इस बार। और गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अभी जो है लाल किला में मेला लगा हुआ है। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, मेला का भी मजा ले सकते हैं। लाल किला के बगल बहुत शानदार, बिल्कुल लाल किले के सामने ही है, लाल किले के ग्राउंड ही में है। ग्राउंड में ही है लाल किला। आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा करा देता हूँ मेला का। तो वो है मेला, देखिए झूला वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि आज संडे है। मेला दिखा। ये सामने मेला है, सामने झूला दिख रहा है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ भी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा लाल किले का, क्योंकि अंदर नहीं जा रहा हूँ तो फिर बता के फायदा नहीं है किसी और। तो गाइस, हम लोग अब जो है बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग जो है लाल किले का अंदर ही है, लेकिन किले के अंदर नहीं है, इसके ग्राउंड के अंदर है कि नहीं? आप लोग देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। आज संडे है ना, और आज संडे मार्केट भी लगता है ना, तो इस वजह से लोग आते हैं यहाँ पर घूम फिर के जाते हैं लाल किला। तो आज यही लाल किला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ताजमहल है, उन लोगों की सोच जो है गलत है। ताजमहल जो है दिल्ली में नहीं है बल्कि यूपी आगरा में है, और मैंने वीडियो भी बनाई है आगरा का, इसी तरह आगरा रेड फोर्ट का, इसी तरह ताजमहल का। आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देख सकते हैं। और मेला आना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं, मेला के भी मज़ा ले सकते हैं। देख पा रहे होंगे मेला का जो यहाँ पर झूला लगा हुआ है। यहाँ जो है इतने सारे लोग फोटो शूट करते हैं, DSLR लेकर आते हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। तो हम लोग जो फाइनली आप बाहर निकल रहे हैं। अगर आप लोग फुल वीडियो देखना चाहते हैं लाल किला का, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐतिहासिक जगह का वीडियो बनाते रहता हूँ।